दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय हिस्ता न्यूज। महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि कल जो है संजय राउत के द्वारा नवनीत राणा जो कि एक सांसद हैं उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया, जहाँ पर उनके द्वारा बोला गया था कि इनका कनेक्शन जो है यूसुफ लखड़वाला के साथ में था और यूसुफ लखड़वाला का कनेक्शन जो है दाऊद इब्राहिम के साथ यानी डी गैंग के साथ में था। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा हुआ था, लेकिन अब जो है बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने संजय राउत को घेरने की कोशिश की है, जहां पर उनके द्वारा बोला गया है कि एजाज लखड़वाला जो है वो एक गैंगस्टर था, यूसुफ लखड़वाला जो है वो बिल्डर था जो कि क्लोज था कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना लीडर्स के साथ में, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा उनका कनेक्शन था इन लोगों के साथ में। लेकिन यहां पर संजय राउत जो है आज जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं नवनीत राणा को बदनाम करने की, वो भी लखड़वाला सरनेम के साथ में उनका कनेक्शन जोड़कर। यही नहीं, उनके द्वारा यह भी बोला गया कि संजय राउत जो कि दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो कि पूरी तरह से गलत है, लेकिन ये खुद को नहीं देख रहे हैं, जिनका खुद का कनेक्शन जो है वो यूसुफ लखड़वाला के साथ में था और वो यूसुफ लखड़वाला के साथ में ये जो है महाबलेश्वर में लगातार पार्टी भी कर रहे थे। ये सीधे सीधे आरोप जो है लगाया गया है वो भी मोहित कंबोज के द्वारा। यही नहीं, उन्होंने ये भी एक ट्विटर पे अपने ट्विटर अकाउंट पे ये भी ट्वीट किया है, जहां पर उनके द्वारा बोला गया है कि यूसुफ लखड़वाला के लाभार्थी कौन कौन थे, उनके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो मुझसे कॉन्टेक्ट करिए, मैं सारी की सारी जानकारी देने के लिए रेडी हूं। दिलीप वाल्से पाटिल यानी कि जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, अभी उनको भी इनके द्वारा बोला गया है कि वो जल्द से जल्द एक पूरा प्रूफ के साथ में एक लिस्ट भेजेंगे उनको, और मेरा स्टेटमेंट अगर वो दर्ज करने के लिए रेडी हैं तो मैं सबको असलियत मालूम पड़े वो सारी की सारी जानकारी देने के लिए रेडी हूं, और इनके पास में सारे के सारे सबूत भी हैं, ऐसा जो है दावा किया जा रहा है मोहित कंबोज के द्वारा। यहां पर इन्होंने संजय राउत का भी नाम लिया है और कई बड़े और पॉलिटिशियन के बारे में इनके द्वारा दावा किया जा रहा है। आपका क्या ओपिनियन है मोहित कंबोज के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।